हाय एवरीवन, स्मृति सिन्हा हियर। सो चलिए आज हम अपना प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देखने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जा करके देखिए, ठीक है, क्योंकि उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो उतनी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं रिकॉल कर देती हूँ कि मैंने पहले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था। मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन, देन आपका डेफिनेशन था, देन उसके बाद आपका काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो अभी हम आगे देखते हैं अपना सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या क्या इम्पोर्टेंट यूज है वो हम अल्फाबेटिकली लेकर के चलेंगे, ठीक है। हमारा सारा अरेंज होगा अल्फाबेटिकली, आपको नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा अबाउट। अबाउट से आपको क्या लगता है? अबाउट से आपको हिंदी मीनिंग बताया गया के बारे में, मतलब किसी के बारे में बोलना। सिंपली ये चीज समझ में आ रहा है, अबाउट मीन्स नियरनेस ऑफ सम काइंड। किसी भी लोगों के नजदीक को हम अबाउट बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? किसी के संबंध में, किसी के बारे में बोल करके, किसी के मतलब किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसके इधर उधर, देन लगभग, लगभग के बारे में कि मतलब कुछ होने वाला है ऐसे करके, या होने होने, ठीक है, या मतलब अभी जस्ट होगा ऐसे करके हम अबाउट को, अबाउट का यूज करते हैं। अबाउट मीन्स नियरनेस ऑफ सम काइंड। अबाउट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के नजदीक, ठीक है। फिर से हम इसका देखेंगे एक बार, इसका यूज के संबंध में, के बारे में, के इधर उधर, के लगभग या होने होने में हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट नो अबाउट भभुआ। आई डोंट नो अबाउट भभुआ, मैं भभुआ के बारे में नहीं जानती। यहाँ पे जो हमारा ये अबाउट है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और जो भभुआ है ये हमारा प्लेस बता रहा है, मतलब कि इस प्लेस के बारे में मैं नहीं जानती। देन है आपका सेकेंड एग्जाम्पल, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, हमारा जो शो है अभी शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पे था ना होने होने, तो यानी कि जो हमारा शो है वो अभी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे भी जो हमारा अबाउट है वो प्रीपोजिशन है, और ये स्टार्ट है जो बता रहा है कि जो हमारा शो है वो अभी स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है बट होगा, ऐसे करते। चलिए अब हम अपना सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारा एबव। एबव का मीन्स क्या होता है? एबव से आपको बताया गया होगा ऊपर। एबव मीन्स इन अ हायर पोजिशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कि ये किताब हो गया, ये पेन हो गया, यहाँ पे हम रखें तो किताब के ऊपर है, ठीक है, तो ये एबव में नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर ऐसे लाइट है, तो हम बोलेंगे द लाइट इज एबव आवर हेड, वो हमारे ऊपर तो है लेकिन वो हमसे सटा हुआ नहीं है, ठीक है। एबव मीन्स इन अ हायर पोजिशन, कोई भी हायर पोजिशन जो होता है, ऊंचाई जो होता है, वहां पे हम एबव का यूज करेंगे। इसका यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। से परे, किसी से हटकर, से अधिक यानी कि किसी भी मात्रा में, किसी अगर तुलना कर रहे हैं तो वो ज्यादा होगा। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, द सन इज एबव माई हेड, सूर्य जो है वो मेरे सिर के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा एबव प्रीपोजिशन है, ऊपर है, यहाँ पे ऊंचाई का दिखा रहा है, यहाँ ऊंचाई पे है लेकिन हमारे सिर से सटा हुआ नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज ऑनेस्टी इज एबव सस्पिशियन, उसकी ईमानदारी जो है उसपे हम सस्पेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसपे हम संदेह नहीं कर सकते, संदेह से हट के है। तो यहाँ पे हमारा से परे को डिनोट कर रहा है, हिज ऑनेस्टी इज एबव सस्पिशियन, उसके ईमानदारी को हम संदेह नहीं कर सकते। तो चलिए अब हमारा ये दो हुआ, अब हम इसके आगे और जानते हैं कि और क्या होता है। चलिए तो अब हमारा जो थर्ड है वो है एक्रॉस। एक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। एक्रॉस का मतलब होता है किसी एक पार से दूसरे पार, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक को हम एक्रॉस में शो करते हैं। इसका यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। उस पार,
के आर पार, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, या के दोनों ओर, यानी कि एक्रोस का जो यूज होता है वो होता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। यानी कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, तो यहां से यहां तक का जाने, यानी कि मतलब इस छोर से उस छोर तक के जाने को हम एक्रोस बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लिव एक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार रहती हूँ। यहाँ पे जो एक्रॉस है वो हमारा प्रीपोजिशन है। देन सेकेंड एग्जाम्पल, शी कैन नॉट कम एक्रॉस द लेक, वो झील के उस पार नहीं आ सकती है। शी कैन नॉट कम एक्रॉस द लेक, वो झील के उस पार नहीं आ सकती है। यहाँ भी जो एक्रॉस है वो हमारा प्रीपोजिशन है। देन चलिए हमारा जो फोर्थ वन है वो है आफ्टर। आफ्टर मीन्स सेक्वेंस। आफ्टर हमें क्या दर्शाता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लगातार होना, उसको हम आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज के बाद में, के ठीक में, के बावजूद। के ठीक में यानी कि हम किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी नंबर को डिनोट करेंगे, के रहते हुए भी, के पीछे, के अनुसार। आफ्टर का यूज होता है के बाद में, के ठीक में, के बावजूद। के ठीक में मतलब कि हम किसी भी प्लेस या किसी भी नंबर को डिनोट करेंगे, के रहते हुए भी, के पीछे, के अनुसार। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ही इज मैड आफ्टर मनी, वो पैसे के पीछे पागल है। यहाँ पे हमारा जो आफ्टर है वो प्रीपोजिशन है। देन सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, ही विल कम आफ्टर 10 days, वो 10 दिनों के बाद आएगा। यहाँ भी हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन है। तो ये हमारा फोर्थ रूल हुआ। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं और रूल की तरफ। चलिए तो हमारा जो फिफ्थ है वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स अपोजिशन ऑफ सम काइंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट, यानी कि उसके विपरीत, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, या कुछ भी हम बोल सकते जो कि अपोजिट सेंस में हो, वो हमारा अगेंस्ट शो करता है। इसका यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। किसी के विरुद्ध, किसी के विपरीत, या किसी की तैयारी में, या पर, इस पे हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, शी इज लर्निंग अगेंस्ट द वॉर, वो युद्ध के खिलाफ तैयारी कर रही है। यहाँ पे जो अगेंस्ट हमारा वो प्रीपोजिशन है, वो युद्ध के खिलाफ तैयारी कर रही है, यानी कि ये जो आया खिलाफ, ये हमारा अगेंस्ट है। योर एक्शन इज अगेंस्ट द लॉ, तुम्हारा जो क्रियाकलाप है वो हमारे कानून के विपरीत है। तुम्हारा जो क्रियाकलाप है वो हमारे कानून के विपरीत है। तो यहाँ भी देखिए अगेंस्ट आया, यानी कि ये दोनों सेंटेंस में अपोजिशन को शो कर रहा है। तो जहां अपोजिशन होता है वहां पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। देन हमारा सिक्स्थ वन है अलोंग। अलोंग मीन्स होता है इन द सेम लाइन विद एनीथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सेम लाइन में होगा, वहां पे हम अलोंग का यूज करेंगे। देख लेते कहाँ कहाँ यूज होता है। किसी के किनारे किनारे, किसी के नजदीक, किसी के साथ, किसी के बगल में। यानी कि जैसे कि ये एक लड़का हुआ, ठीक है, यहाँ पे नदी है, तो ये नदी के किनारे किनारे पे है, तो ये हमारा हो गया अलोंग। अलोंग मीन्स सेम लाइन विद एनीथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सेम लाइन में होना अलोंग को शो करता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, शी लिव्स अलोंग द डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगल के नजदीक रहती है। She lives along the dense forest, वो घने जंगल के नजदीक रहती है। Then second example है हमारा, He walks along the river bank, वो नदी के किनारे किनारे टहलता है। तो यहाँ पे जो हमारा है सेम लाइन में, जैसे नदी का किनारा है वहीं पे वो टहल रहा है, सेम लाइन में टहल रहा है। फिर उसके बाद जो घना जंगल है वहां पे वो लड़की रहती है उसके नजदीक में ही, तो ये भी हमारा सेम लाइन को शो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, अलोंग प्रीपोजिशन हम ऐसे यूज करेंगे
तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।